नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताए थे क्रिया किसे कहते हैं, धातु या मूल धातु किसे कहते हैं। साथ ही हम लोग वहाँ देखे थे कुछ महत्वपूर्ण धातु शब्द। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर के 90 क्लास में जानेंगे इससे आगे कुछ धातु शब्द जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने में। तो चलिए देखते हैं कि धातु शब्द क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला है नम। नम मतलब होता है प्रणाम, यानी तो क्या होता है, झुकना। नम का अर्थ होता है प्रणाम यानी तो झुकना। कुज मतलब होता है कुकना, कुछ मतलब कुकना। जैसे कोयल कुकती है तो वहाँ कुकती के लिए जो आएगा क्या कहते हैं धातु शब्द क्या जाएगा, तो कुज। क्या आएगा, कुज। पच मतलब होता है पकाना या पचाना। पच मतलब क्या होता है, पकाना या पचाना। पच मतलब दोनों होता, तो नम मतलब प्रणाम या झुकना, जैसे प्रणाम करते हैं या झुकना, उसी का हो जाएगा क्या, तो नम। नम मतलब क्या हो जाएगा, प्रणाम या झुकना। कुज मतलब क्या हो जाएगा, कुकना। पच मतलब होता है पकाना या पचाना। पच मतलब पकाना या पचाना। पत मतलब होता है गिरना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आकाश से पक्षियां गिरती है, तो पत मतलब क्या हो जाएगा, पचाना। पत मतलब क्या हो जाएगा, तो गिराना। पत मतलब क्या हो जाएगा, गिराना। निवास मतलब क्या होता है, रहना। जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ जो निवास के लिए जो रहना के लिए जो आएगा संस्कृत क्या आ जाएगा, निवास। इसके साथ लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, लीट लकार का जो है ना सूत्र बैठेगा, लेकिन अभी क्या है, ये निवास। निवास मतलब क्या होता है, रहना। वश मतलब भी होता है रहना। वश मतलब क्या होता है, रहना। तर मतलब होता है तैरना। तर मतलब तैरना, जैसे मैं तैरता हूँ, मैं नदी में तैरता हूँ, तो तर मतलब क्या हो जाएगा, तैरना। चर मतलब क्या होता है, चरना। तर मतलब तैरना और चर मतलब क्या होता है, चरना। हिरी मतलब होता है हरण करना, हरण कहो या अपहरण, किडनैप जिसको बोलते हैं, तो हिरी मतलब क्या होता है, हरण करना। हिरी मतलब हरण। ज्ञा मतलब होता जानना। ज्ञा मतलब क्या होता, जानना। अर्च मतलब होता पूजा करना। अर्च मतलब पूजा, जैसे ये लट लकार के सूत्र पर बैठेगा तो यहाँ हो जाएगा अर्चती, अर्चत, अर्चंती, ठीक ना। जैसे ती तो अंति होता है, तो अर्चती, अर्चत, अर्चंती, ठीक ना। तो अर्च मतलब क्या होता है, पूजा करना। स्मृति मतलब होता है स्मरण करना, यानी याद करना। स्मृति मतलब क्या होता है, स्मरण करना कहो या नहीं तो याद करना। अगर इसको लट लकार के सूत्र पर बैठाएंगे तो स्मृति, स्मरत, स्मरंती, ठीक ना। इसी तरह सभी पांचों लकार पर बैठाएंगे हम लोग। अभी पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा धातु शब्द है, उसके बाद जब लकार पढ़ाएंगे तो लकार में दोनों चलेंगे, बैठाना भी है क्रिया धातु के साथ, प्लस वहाँ अनुवाद भी बनाना है। कहीं भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और ये वीडियो यूट्यूब का एक बवाल होने वाला है, ठीक ना। तो आगे क्या है, तो जी। जी मतलब क्या होता है, जीतना। जी मतलब जीतना। ची मतलब होता चुनना। ची मतलब चुनना। जी मतलब जीतना, ची मतलब चुनना। रक्ष मतलब होता है रक्षा करना। रक्ष का अर्थ क्या होता है, रक्षा। अगर रक्षा करना का बात करें तो रक्षा करना का धातु शब्द क्या हो जाएगा, रक्ष। खोदना, खोदना का क्या होता है, खन। खन मतलब क्या होता है, खोदना। जैसे खनन होता है ना, खनन करता है मतलब खोद रहा है, तो खन का अर्थ क्या हो जाएगा, खोदना। रट मतलब होता है रटना, जैसे हम लोग रटते हैं। और याद रहे संस्कृत एक रटने वाला विषय है, इसको समझना भी है प्लस रटना भी है। जितना इसको रटिएगा उतना आपको याद रहेगा, ठीक। और इसको अच्छी तरह से रट लेना है ताकि जब हम लकार पढ़ाएं और वहाँ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करें तो आपको मुजबानी याद रहना चाहिए। जैसे कोई शब्द आएगा तो आपके मुंह से उसी का धातु शब्द निकलना चाहिए, ऐसे इसको रटना है। तो खन मतलब क्या होता है, खोदना। रट मतलब क्या होता है, रटना। गल मतलब होता है गलना। गल मतलब क्या होता है, गलना। गजर मतलब क्या होता है, गरजना। गजर मतलब गरजना। गजर मतलब क्या होता है, गरजना। वीर्ष मतलब होता है ब्रसना। तो गजर का हो जाएगा ग्रस्ती, गरजती, गरजत, गरजंती, ठीक ना। वीर्ष मतलब होता है ब्रसना, इसका हो जाएगा वर्षती, वर्षत, वर्षंती। घ्रीस मतलब होता है घिसना, जैसे किसी चीज को घसीटते हैं तो घ्रीस का अर्थ क्या हो जाएगा, घसीटना या घिसना। यह जब बैठेगा लट लकार के सूत्र पे क्या हो जाएगा, घरसती, घरसत, घरसंती, यानी ये जो ये री है, ये री किस में बदल जाएगा, रेप में, उसका अर्थ भी क्या होता है, रो होता है। ध मतलब होता है जलना। ध मतलब क्या होता है, जलना। ये बैठेगा दहती, दहत, दहंती, दहसी, दहत, दहत, दहामी, दहाव, दहाम। वैसे हम आगे लंग लकार पे भी बैठाएंगे, लोट लकार पे भी बैठाएंगे, लीरिट लकार पर भी बैठाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये देख लेते हैं। ध मतलब क्या होता है, जलना। ज्वल मतलब भी होता है जलना।
ज्वल मतलब भी क्या होता है जलना, इसका हो जाएगा ज्वलति ज्वलता ज्वलंती, जब लकार पे बैठाएंगे। तर्ज मतलब होता है डांटना, जैसे किसी बच्चे को या किसी को डांटते हैं तो उसका जो संस्कृत होगा डांटने का क्या हो जाएगा, तो तर्ज, तर्ज मतलब क्या हो जाएगा डांटना। जीव मतलब होता है जीना, जीव मतलब जीना, हम लोग जीते हैं तो जीना, जो जीना का संस्कृत क्या हो जाएगा जीव। द्रव मतलब होता है पिघलना, द्रव मतलब क्या होता है पिघलना, द्रव का अर्थ क्या होता है पिघलना। ठीक, नद मतलब होता है आवाज़ करना, जैसे कोई चीज़ आवाज़ करता है तो आवाज़ करना का संस्कृत क्या होता है, तो नद, क्या होता है नद। अगर हम इसको लट लकार पर बैठाएंगे तो इसका पहला रूप आएगा नदती नदत नदंती, नदसी नदथ नदत, नदामी नदाव नदामा। नींद मतलब होता निंदा करना, नींद मतलब क्या होता है निंदा, नींद मतलब क्या होता है निंदा करना। जैसे इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा निंदती निंदता निदंती निंदंती। ठीक, वैसे फल मतलब होता है फलना, जैसे कोई चीज़ फलता है, क्या कहते हैं कोई वृक्ष में फल लगा हुआ तो कभी ना कभी क्या होगा, वृक्ष लगा तो फलेगा उसमें फल, तो वह जो फलना का होता है संस्कृत उसका अर्थ क्या होता है फल, फल मतलब क्या होता है फलना, फल मतलब फलना। विष मतलब होता है प्रवेश करना, हम प्रवेश करते हैं कहीं जाते हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं यानी तो किसी मार्केट में प्रवेश करते हैं, किसी कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो बोलते हैं कि अब ये हम अपने एरिया से निकल कर किसी दूसरे एरिया में प्रवेश कर गए हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा विष, विष मतलब क्या होता है प्रवेश करना। जब इसको लट लकार के सूत्र पर बैठाएंगे तो विसति विसत विसंति विससी विसत विसत विषामी विषाव विषाम, ये हम लट लकार में भी अच्छा अच्छी तरह से बताएंगे। प्रशंस मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंस मतलब क्या होता है प्रशंसा करना, या हम बोल सकते हैं तारीफ करना, प्रशंस का अर्थ क्या होता है प्रशंसा। सूच मतलब होता है शोक करना यानी तो शोक मनाना, सूच मतलब क्या होता है शोक करना। धीरी का अर्थ होता है पकड़ना, और इसको हम लट लकार के सूत्र पर बैठाएंगे तो धरती क्या हो जाएगा धरती धरत धरंती धरसी धरत धरत धरामी धराव धराम। एक होता धरती ऐसे होता है ये धरती, और ये क्या धर तौर से ही का धरती, ये धर तदरी धरती, इसका अर्थ होता पृथ्वी, क्या होता पृथ्वी, इसका अर्थ होता पकड़ता है, ये धरती का अर्थ होता पकड़ता है क्योंकि ये लट लकार के सूत्र पर बैठा है इसीलिए। तो धीरी मतलब क्या होता पकड़ना, धीरी मतलब पकड़ना। रू मतलब होता उगना, जैसे सूरज उग गया तो रू का अर्थ क्या होता उगना, तो रू को अगर बैठाएंगे लट लकार के सूत्र पर तो पहला जो इसका आएगा हो जाएगा रोहिती, क्या हो जाएगा रोहिती, दूसरा होगा रोहित नहीं रोहिती रोहत रोहंती रोहसी रोहत रोहत रोहामी रोहाव रोहाम। ठीक, तो ये वहाँ पर देख लेंगे। त्याज मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ का हम त्याग करते हैं, किसी बुरी आदत को हम त्याग करते हैं, किसी को भी त्याग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है त्याज, त्याज मतलब क्या होता है त्यागना, इसको भी बैठाएंगे तो हो जाएगा त्यजती त्यजता त्यजंती, ऐसे बढ़ते जाएगा। क्रूस मतलब होता है चिल्लाना, जैसे कोई बच्चा हल्ला करता है या कोई भी चिल्लाता है तो चिल्लाना का जो संस्कृत होता है क्या होता है क्रूस होता है, चिल्लाना का संस्कृत क्या होता है क्रूस। मिल मतलब होता है मिलना, जैसे मैं तुमसे मिलता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा अहम त्वया मिलामी। ठीक ना, जब हम ये संस्कृत पढ़ेंगे तो ये सब अनुवाद आसानी से बन जाएगा, अभी केवल याद रखना है मिलना का क्या होता है तो मिल होता है, मिलना का मिल। नी मतलब होता है ले जाना, नी मतलब क्या होता है ले जाना, हम किसी को लेकर जाते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा नी। आपको ये बता देते हैं जब आपके जानकारी के लिए कि अगर जब आप मेरा क्लास शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हैं जहाँ तक डाल रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का संस्कृत अनुवाद में दिक्कत नहीं होने वाला है, और हम गारंटी देते हैं कि ये जो चैनल होगा ये हमारे इंडिया का नंबर वन संस्कृत का होने वाला है। फिलहाल अभी इसको कोई देख नहीं रहा है लेकिन जैसे जैसे ये रनिंग में जाएगा तो वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसका खूबी क्या है, और हम संस्कृत का ए टू जेड बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस ये चैनल जाएगा, और इसमें कोई भी तैयारी कर सकता है, छः से लेकर जो नीट का तैयारी करता है जो सी टेट का तैयारी करता है वो भी स्टूडेंट इसको देख सकता है। तो कहाँ थे नी मतलब होता है ले जाना, नी का अर्थ क्या होता है ले जाना, तो इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा नियति नियत नियंति। ये मतलब होता है ये का अर्थ होता है गाना, हम इसको बोल सकते हैं गाय, गे का दूसरा रूप क्या है गाय, गाय मतलब वो नहीं काव नहीं, यहाँ संस्कृत ये रूप है जिसका अर्थ हो जाएगा गाना, जबकि गाय का संस्कृत होता है गो या धेनु,
सुरभि गो धेनु, ये सब गा का होता है, लेकिन ये गा का अर्थ होता है गाना। गा का अर्थ क्या होता है? गाना। जब इसको लट लकार के सूत्र पर बैठाएंगे तो हो जाएगा गायती गायत गायंती गायसी गायत गायत गयामी गयाव गयाम। गे गाय मतलब क्या होता है? गाना। मूछ मतलब होता है छोड़ना। मूछ मतलब क्या होता है? छोड़ना। मूछ मतलब छोड़ना। एक बार शुरू से देख लेते हैं। नम मतलब क्या होता है? तो प्रणाम करना या झुकना। कुज मतलब क्या होता है? कुकना, जैसे कोयल कुकती है, कौवा कुकता है। पच मतलब होता है पकाना या पचाना, जैसे खाना पकाते हैं, माता खाना पकाती है, माता खाना पकाती है। भोजन पचना, जैसे हमारे पेट में जाने के बाद वह पचता है, तो उसका संस्कृत क्या हो जाएगा? तो पच। पत मतलब होता है गिरना, निवश रहना, वश रहना। तर मतलब तैरना, चर मतलब चरना, हिरी मतलब हरण करना, ज्ञा मतलब जानना, अर्च मतलब पूजा करना, अर्चती। स्मृति मतलब होता है स्मरण करना, यानी तो हम बोल सकते हैं याद करना। जी मतलब जीतना, ची मतलब चुनना, रक्ष मतलब रक्षा करना। उसके बाद खन मतलब खोदना, रट मतलब रटना, गल मतलब होता है गलना, जर मतलब होता है गरजना, वृष मतलब होता है वर्षना, यानी तो हम इसको लट लकार के सूत्र में बोल सकते हैं वर्षती वर्षता वर्षंती। घृष मतलब होता है घिसना, दह मतलब जलना, ज्वल मतलब जलना, तर्ज मतलब डांटना, जीभ मतलब जीना, द्रव मतलब क्या होता है? तो पिघलना। वैसे नद मतलब आवाज लगा करना, नींद मतलब निंदा करना, फल मतलब फलना, विष मतलब प्रवेश करना, प्रशंस मतलब प्रशंसा करना, यानी तो क्या करना? तारीफ करना। सूच मतलब शोक करना, धीरी मतलब पकड़ना, रू मतलब उगना, रू मतलब उगना, त्याज मतलब त्यागना, क्रूस मतलब चिल्लाना, मिल मतलब मिलना, नी मतलब ले जाना, गे मतलब गाना, मूछ मतलब छोड़ना। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये है, इधर हम बोल सकते हैं ये क्रिया है जिसके लास्ट में ना लगा है, और ये क्रिया को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो धातु बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं धातु, क्या धातु, या हम बोल सकते हैं इसको क्या? मूल धातु। क्या बोल सकते हैं? मूल धातु। और ये है क्या है? तो इधर क्रिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? क्रिया। तो ये था धातु या मूल धातु, उधर क्या है? क्रिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो भी डाल दी है, उसमें बताया है कि क्रिया का डिफिनेशन, धातु या मूल धातु का डिफिनेशन, साथ ही उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण धातु शब्द बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और इसे अधिक से अधिक लोग देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।